तो आइए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे आज हम। कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम? 2D। तो पहले हम पढ़ेंगे 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेट्स। सपोज ये x एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है। ये हम 10th में जानते हैं, जस्ट एक बार एक रिवीजन कर रहे हैं छोटा सा, फटाफट से देख पाए समझ पाए। जैसे अगर मान लीजिए लिखना है 2, 3, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, जहां पे x एक्सिस y एक्सिस कोइंसाइड करती है ओरिजिन, 0, 0, 0, 0, ठीक है। अब 2, 3 का मतलब क्या होगा? 2 जाएंगे x में खट 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 और 3 जाएंगे y में पट पट पट। तो यहां पे पहुंच गए एंड तो ये 2, 3, ये क्या हो गया पहले बच्चों? 2, 3। 2, 3 मतलब 2 जाएंगे x में, 3 जाएंगे y में, ठाने ठाए 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 ठाए, क्लियर हो गई बात। तो अगर कोई कहेगा 2, -3 तो कैसे बनाएंगे बेटा? 2 जाएंगे x में खट 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 और -3, 3 जाएंगे y में लेकिन वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, पट पट पट। तो ये आ गया 2, -3। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना, 5, 4, तो 5 जाएंगे x में और 4 जाएंगे y में, कैसे? कट 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 पट 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 पट, आ गए 5, 4 पे। नहीं आया? आया सर, बिल्कुल सिंपल है भाई। कैसा है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल। समझने की कोशिश करेंगे, लगातार ध्यान से सुन करेंगे, समझते रहेंगे। अगर मान लो मेरे को लिखना है -3, 4, इसका मतलब क्या है? x में जाना है 3, वो भी नेगेटिव x में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और 4 जाना है y में, कैसे जाएंगे? 3x में और वो भी नेगेटिव साइड, कट 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 और 4 जाएंगे y, पट पट पट। यहां पहुंच गए, ये क्या आ गया? -3, 4। क्या आ गया बेटा? -3, 4। तो इस तरीके से बेटा हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, व्हिच इज वेरी सिंपल। मेरे को लगता है ये इसको और करने की जरूरत है। चलिए एक और कर लेते हैं। मान लो कोई कहता है 4, 5, है ना, तो 4 जाएंगे x में कट कट कट, है ना, 4 जाएंगे x में कट 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 और फिर 5 जाएंगे y में कट 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 कट। ये आ गया 4, 5। इट्स वेरी सिंपल। मेरे को लग रहा है कि शायद मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल चीज है कि हाउ टू राइट दी कोऑर्डिनेट्स, हाउ टू राइट दी कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स लिखने बहुत ही आसान है, है ना। अगर जो पॉजिटिव, अगर मान लो x, y है तो x जाएंगे x में, मतलब जो भी है 4, 5, तो x में 4 जाएंगे y में 5, 4, -5 है तो x में 4 जाएंगे और नेगेटिव y में 5, क्लियर हो गया। अच्छा -3, -4, 3 नेगेटिव x में और 4 नेगेटिव y में, है ना। तो यहां पे क्या है बेटा, दोनों पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। यहां पे x नेगेटिव हो गया लेकिन y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, और यहां क्या है दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, है ना। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल है मेरे हिसाब से, कोऑर्डिनेट्स बच्चा बच्चा लिख लेता है, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं हाउ टू राइट दी कोऑर्डिनेट्स, हाउ टू राइट दी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है बेटा। अब बेटा मेरे को ये देखना है प्यारे बच्चों कि अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट कोई भी लिखा हुआ है 2, 3, उसकी ओरिजिन से दूरी क्या है, तो बेटा कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो कोई भी जनरल ले लेता हूं मैं, अगर कोई पॉइंट है a, b, मतलब a ये चीज है, है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा बेटा प्यारे बच्चों वो a हो जाएगा और b ये चीज होगी, और ये पॉइंट आ गया a, b, और ये डिस्टेंस हो गया इसका ओरिजिन से, कितना हो जाएगा बेटा? पाइथागोरस चाचा की माला जपेंगे और ये हो गया √a² + b², ठीक है प्यारे बच्चों। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है दैट इज √a² + b², दैट इज √a² + b², तो प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं कि मेरे हिसाब से, क्योंकि ये a है ये b, बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए, हाइपोटेनस इज √base² + perpendicular² व्हिच इज वेरी सिंपल, व्हिच इज वेरी सिंपल, है ना। तो बेटा a कॉमा b का डिस्टेंस क्या होता है बेटा ओरिजिन से, या 0, 0 से बेटा वो होता है √a² + b², a कॉमा b का डिस्टेंस क्या होता है ओरिजिन से √a² + b². चलिए एक बताइए फटाफट से, जैसे मान लो कोई पॉइंट है 6, 8, है ना, मान लो कोई पॉइंट है 6, 8, है ना, तो उसका डिस्टेंस क्या है बेटा? √6² + 8² कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? बहुत सिंपल है भाई, है ना। मान लो एक पॉइंट है 6, 8, है ना,
ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है प्यारे बच्चों। तो बेटा इसका जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा बेटा, बार बार अगर ये देखना तो लिख लीजिए 6 ये है 8 ये है, 6 ये है 8 ये है, तो ये चीज क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा O और मान लो ये पॉइंट है P, तो OP, OP की लेंथ कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या होता है बेटा 36, कितना होता है प्यारे बच्चों 36, वेरी गुड लिख देंगे 8 स्क्वायर 64, वेरी गुड 36 प्लस 64 100, 100 का अंडर रूट 10 होता है, 100 का अंडर रूट 10 होता है, मेरे हिसाब से मैं आपको समझा गया। तो प्यारे बच्चों a कॉमा b का जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कॉमा b का जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, मैं रब कर देता हूं, है ना। अब बेटा जो बहुत कॉमनली यूज होने वाली चीज होती है ना a कॉमा a का डिस्टेंस होता है, किसका डिस्टेंस होता है बेटा a कॉमा a का डिस्टेंस, a कॉमा a का डिस्टेंस क्या है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अगर ये 0 0 पॉइंट है ओरिजिन और ये कोई पॉइंट है a कॉमा a, तो a कॉमा a का डिस्टेंस क्या आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, ये op है मान लो पॉइंट p है, तो ये op लेंथ ओरिजिन से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आएगा तो बेटा ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, a बाहर निकल जाएगा है ना, 2 बेचारा अकेला रह जाएगा a रूट 2, क्या आ जाएगा बेटा a रूट 2, a रूट 2। तो बेटा a कॉमा a का डिस्टेंस ओरिजिन से या 0 कॉमा 0 से क्या होता है प्यारे बच्चों a रूट 2, 0 0 से a कॉमा a का डिस्टेंस क्या होता है बोलेंगे साथ साथ में a रूट 2, 0 0 से a कॉमा a का डिस्टेंस क्या होता है बोलते जाएंगे फटाफट शाबाश a रूट 2, 0 0 से a कॉमा a का डिस्टेंस क्या होता है a रूट 2। अगर कोई जगह 0 0 से 1 कॉमा 1 का डिस्टेंस, ओरिजिन से 1 कॉमा 1 का डिस्टेंस 1 रूट 2, 2 कॉमा 2 का 2 रूट 2, 3 कॉमा 3 का 3 रूट 2, 4 कॉमा 4 का 4 रूट 2 आया, वेरी गुड। तो बेटा मैंने आपको यह समझा दिया a कॉमा a का जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से या 0 कॉमा 0 से दैट इज a रूट 2, क्या होता है बेटा a रूट 2, तो 1 कॉमा 1 का क्या होगा 1 रूट 2, 2 कॉमा 2 2 रूट 2, 3 कॉमा 3 3 रूट 2, मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा, अगर a कॉमा a का a रूट 2 है तो a अगर 1 है तो 1 रूट 2, 2 है तो 2 रूट 2, 3 है तो 3 रूट 2। अब कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं एंगल कितना है, OP जो लाइन है ना उसका एंगल x एक्सिस से, ऐसी चीज पूछ लेंगे तो बेटा कैसे बताएंगे है ना, जैसे मान लो इसी कंडीशन मान लो 0 0 और a कॉमा a, तो क्या आएगा बेटा एंगल tan थीटा कितना आ जाएगा, a कॉमा a मतलब x, ये x में भी a गया और y में भी, तो tan थीटा क्या हो जाएगा a अपॉन a, अब a अपॉन a क्या हो जाएगा बेटा 1, तो थीटा क्या हो जाएगा 45, वैसे भी आप कह सकते थे ये 90 है ये बराबर है दोनों, तो इसलिए दोनों एंगल बराबर होंगे और 45 होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बेटा 0 0 और a कॉमा a को लाइन जॉइनिंग का जो एंगल होगा बेटा वो क्या होगा 45, क्या होगा प्यारे बच्चों, अच्छा 0 0 और 1 कॉमा 1 को लाइन जॉइनिंग का जो एंगल आएगा x एक्सिस से वो क्या है 45, 2 कॉमा 2 का 45, 3 कॉमा 3 का 45, क्यों बेटा कैसे पता लगा बेटा हर एक a कॉमा a के लिए अगर पॉजिटिव साइड पे है तो बेटा क्या रहा है 45 डिग्री, क्या रहा है प्यारे बच्चों 45 डिग्री, क्या मैं आपको समझा पाया हूं है ना। अच्छा तो बस बेटा प्यारे बच्चों मैं आपको यही समझा पाया हूं, अगर कोई लाइन है ना जो 0 0 और 1 कॉमा 1 या 2 कॉमा 2 या 3 कॉमा 3 को जॉइनिंग है, इनफैक्ट a नेगेटिव भी हो बेटा अगर -1 कॉमा -1 भी, तो लाइन तो यही बनेगी ना, और उस लाइन का जो एंगल आएगा x एक्सिस से वो 45 ही आएगा बेटा, y इक्वल टू x लाइन है बेटा, मेरे हिसाब से आप समझ सकते हैं ये बात, 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 जो भी ये बनेगा ये 1 ये 1, तो ये क्या एंगल आएगा बेटा 45। कैसे पता लग रहा है बेटा tan थीटा a / a, या कैसे ये 90 है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये दोनों बराबर होंगे, तो अगर बराबर होंगे सम 90 और बराबर है तो क्या होंगे 45 45, कह दो आ गया यार है ना। तो बेटा अगर कोई कहेगा 0 0 से a कॉमा a जॉइनिंग का जो एंगल होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों 45, ये आपको मालूम होना चाहिए फट से है ना। अच्छा अगर मान लो कोई कह दे इस लाइन का एंगल 0 0 से मतलब ओरिजिन से मान लो कोई पॉइंट है 1 कॉमा रूट 3, क्या पॉइंट है बेटा 1 कॉमा रूट 3, तो बेटा इसका एंगल बताओ क्या होगा इस लाइन का, ये मान लो पॉइंट P है तो एंगल कितना होगा बेटा इसका x एक्सिस से बताइए जरा, लेट से थीटा, अब बेटा 1 ये चीज हो गई x में 1 गए और y में कितना गए प्यारे बच्चों रूट 3, कितना गए रूट 3, तो tan थीटा कितना आ जाएगा
रूट थ्री अपॉन वन, रूट थ्री अपॉन वन। वाओ ये तो बड़ा सिंपल हो गया, टेन थीटा रूट थ्री किसके लिए होता है, 60 डिग्री के लिए। किसके लिए होता है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री। मेरे हिसाब से मैं समझा पा रहा हूं, है ना। तो बेटा मैंने आपको बेटा क्या क्या समझा दिया, जो हमने आपको पढ़ाया बेटा, कौन सा सिस्टम पढ़ाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेटा मैंने आपको समझाया कि कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, अगर a कॉमा b है तो उसका मतलब क्या होता है, a कॉमा b का मतलब होता है x में जाएंगे a, y में जाएंगे b, और ओरिजिन से कितनी दूरी पे आ रहा है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर a कॉमा a होगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा प्यारे बच्चों, उसका डिस्टेंस होगा a रूट 2, है ना। बेटा a कॉमा b का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, 0 0 से डिस्टेंस होता है, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और a कॉमा a का होता है a रूट 2, 1 कॉमा 1 का 1 रूट 2, 2 कॉमा 2 का 2 रूट 2, 3 कॉमा 3 का 3 रूट 2 एंड 4 कॉमा 4 का 4 रूट 2। 0 0 से a कॉमा a को ज्वाइन करने वाली जो लाइन का एंगल होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 45 डिग्री। और कोई भी अगर मान लो आपको दे दिया जाए 0 0 से 1 कॉमा रूट 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन का एंगल, तो tan थीटा ले लेंगे रूट 3 बाय 1, और tan थीटा निकल के आपको थीटा बड़े आराम से पता लग जाएगा, थीटा बड़े आराम से पता लग जाएगा। मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया, है ना। तो ऐसा करते हैं, ये एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखा दिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेसिकली क्लास 10th का ही पूरा का पूरा रिवीजन था, कुछ भी नया नहीं बताया है अभी मैंने आपको। अच्छा बेटा एक बात मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये है एक मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अच्छा मेरे बच्चों ये बताओ कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई। अगर मेरे को कोई पूछेगा ये कौन है तो बेटा हम क्या कहेंगे, ये प्रदीप सर है, है ना। अगर मैं ऐसे मुड़ जाऊं तो कोई कहेगा ये कौन है, तो भी तो बेटा प्रदीप सर है ना। बेटा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, टेढ़ी भी बनाई जा सकती है एक्सिस, और बनानी पड़ेगी अगले ही चैप्टर में जब प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तब मनीष सेवता सर ऐसी एक्सिस भी बनाएंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, अगर यहां पे कोई कहेगा 3,4 तो x में 3 जाना है टक टक टक, y में 4 जाना है टक टक टक, यहां पहुंचते हैं। 3,4 का यहां मतलब क्या आएगा बेटा, x में 3 और y में 4, बस ये पॉइंट है 3,4। मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाया, है ना। तो बेटा बिल्कुल सिंपल बात है, अगर ऐसा भी होगा मान लो कोई कहता 3,-4 तो 3 इधर और 4 नीचे, सिंपल ये आ गया 3,-4। तो ऐसा नहीं कि भैया अगर टेढ़ी किसी ने एक्सिस दिखाई तो हम कहेंगे कि भाई प्राण निकल गए, ए कॉमा बी का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या अभी भी वही है 3 है 4 है, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सारी बातें वही की वही, सारी बातें वही की वही। बाकी एक बार जब आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा मनीष सेवता सर, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिकल टूल्स, बेटा ये सब चीजें यूज होने वाली है पूरी फिजिक्स में, अगर ये नहीं आ पाया तो थोड़ी दिक्कत भी होगी, है ना। तो इसको हमको बहुत कायदे से सीख लेना है, इसको हमको बहुत कायदे से सीख लेना है, ताकि हमको आगे जब भी फिजिक्स में यूज हो तो हम बहुत आराम से कंफर्टेबली यूज कर पाए, कैसे यूज कर पाए कंफर्टेबली, है ना। तो आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, ये टॉपिक हम सीख चुके हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमको समझ में आ गया है। अब बेटा अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई मेरे को कहता है कि अगर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मान लो कोई वेक्टर है जो 0 0 से दैट इज ओरिजिन से 3,4 को ज्वाइन करता है, 0 0 से 3,4 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो होगा इसको कैसे लिखा जाएगा, 3,4 को ओरिजिन से जो ज्वाइन करेगा, ओरिजिन मतलब 0,0, ये जो वेक्टर होगा इसको बेटा वेक्टर फॉर्म में कैसे कहते हैं, मान लो ये पॉइंट है O, है ना, ओरिजिन को O नाम दे दिया, और ये मान लो पॉइंट है A, तो OA वेक्टर लिखने का तरीका क्या होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, ये i कैप j कैप बेटा ये ना जस्ट नोटेशन है, ये क्या है बेटा एक नोटेशन है ना, 3i कैप प्लस 4j कैप एक तरीका है। अच्छा मान लो कोई कहे 0 0 से 1,2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, है ना, 1,2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, मान लो एक पॉइंट है B, तो OB वेक्टर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, OB वेक्टर हो जाएगा 1i कैप, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, प्लस 2j कैप, तो बेटा ओरिजिन से 1,2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप। अच्छा माइनस 0 0 से ओरिजिन से 3,-4 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, मान लो ये सी वेक्टर है, सी पॉइंट है,
तो ओसी वेक्टर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3i cap minus 4j cap, मतलब जो भी x कोऑर्डिनेट है उसके साथ i cap। तो बेटा इसको देखते ही दिमाग में क्या ख्याल आएगा, अगर 3i cap minus 4j cap, x में ओरिजिन से x में 3 जाना है, y में 4, और ये जो वेक्टर बन गया 0 0 से 3 minus 4 को जॉइन करने वाला, दिस इज OC वेक्टर, क्या हुआ गया, बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा 0 0 से 9, 10 को जॉइन करने वाला वेक्टर क्या हुआ, 9i cap plus 10j cap, क्या होगा बेटा, 9i cap plus 10j cap। अच्छा 0 0 से मान लो इधर बनाना है minus 3, 4, ये वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, मान लो इसको पॉइंट कहते हैं d, तो OD वेक्टर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, minus 3i cap plus 4j cap, minus 3i cap plus 4j cap। अच्छा अब मैं जनरल बात कर लेता हूं बेटा, 0 0 से ओरिजिन से a, b को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, बेटा शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बाद में बिल्कुल आदत पड़ जाएगी, अच्छे समझ में आएगी। ये कैप, ये टोपी पहनाई जो जा रही है, टोपी क्यों पहनाई जा रही है, इस टोपी का मतलब क्या है अभी समझाऊंगा अगले 5-10 मिनट के अंदर, है ना, ध्यान से सुनेंगे। अभी बस एक तरीका है लिखने का, ये देख रहे हैं, मान लो एक पी पॉइंट है, तो ओपी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, एआई कैप प्लस बीजे कैप, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ क्या है बेटा, ये ए है ये बी है, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए है ये बी है, बेटा पाइथागोरस चाचा की माला बड़ी बार जब लिया, हाइपोटेन्यूस अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बहुत ही सिंपल बात है मेरे हिसाब से, मैं आपको समझा पाया हूं। तो किसी ने कहा सर ये क्या है जो आपने पढ़ाया है, तो बेटा इसको बोलते हैं वेक्टर को यूनिट, मतलब यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना, वेक्टर को यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना। तो आइए प्यारे बच्चों, अब बेटा किसने कहा ये तो बहुत सिंपल है, ऐसी सिंपल सिंपल बातें तो कोई भी बता देता है, दम है तो ये बताओ, अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, दैट इज स्केलर से, तो क्या होगा। अच्छा वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से तो क्या होगा, करके देखते हैं, क्या करते हैं, करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने को है बबुआ, क्या है, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है भैया, आओ करें। अच्छा पहले तो वेक्टर का नाम लिखो, कोई मान लो 0 0 से 1,1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, 1,1, तो ये क्या नाम होगा भाई इस वेक्टर का, बता दो इस वेक्टर का नाम, लिखो ए वेक्टर, क्या नाम चलेगा, ए वेक्टर है ना, आई कैप प्लस जे कैप, I cap plus J cap, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब 2A वेक्टर क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज मैं आपको पढ़ा रहा हूं व्हाट हैपेंस इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, ऊपर लिखी हुई हेडिंग है ना, नोट करते जाएंगे, छापते जाएंगे खटाक से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर क्या बन गया, 2i cap plus 2j cap, अरे ये कौन सा वेक्टर है, अच्छा 0 0 से 2,2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, अच्छा वेक्टर ये आ गया, थोड़ा सा मतलब मैं जानता हूं कि डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि भैया अभी समझाया था a, कोई भी पॉइंट हो एंगल तो 45 डिग्री होता है, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई की डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, 3 से करो तो 3 वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 3j कैप, ओ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा भाई, डायरेक्शन चेंज ना होने का भाई, अच्छा व्हाट हैपेंस इफ यू मल्टीप्लाई वेक्टर बाय स्केलर, डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट चेंज, चेंज हो रहा भाई, अरे स्केलर 1 भी तो हो सकता है, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो चेंज नहीं होगा, और कोई होगा तो चेंज होगा, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करना, अच्छा i कैप प्लस j कैप, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, लेंथ क्या है इस वेक्टर की, √2, और 0 0 से 2,2 का ज्वाइन करने वाले पॉइंट की लेंथ क्या होती है, 0 0 से 2,2 के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2√2, 0 0 और 3,3 की 3√2, 0 0 और 4,4 की 4√2, अभी समझाया था ना, 1,1 का डिस्टेंस ओरिजिन से 1√2, 2,2 का ओरिजिन से डिस्टेंस 2√2, तो बेटा वही तो है, अच्छा तो 2a वेक्टर, तो अगर वेक्टर को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर वेक्टर को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं अदर देन 1 एंड स्केलर इज पॉजिटिव, देन डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, मैग्नीट्यूड
विल चेंज, मैग्नीट्यूड विल चेंज। अगर फोर, अगर फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, यहां तक का वेक्टर बन जाएगा। अरे नहीं आया, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, छोटा छोटा बना के दिखाऊं तो ये आई कैप प्लस जे कैप है, टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा टू आई कैप प्लस टू जे कैप, थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आई कैप प्लस ए जे कैप। डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई, इफ यू मल्टीप्लाई वेक्टर बाय स्केलर देन डायरेक्शन विल रिमेन द सेम बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट चेंज, है ना। ये स्टेटमेंट गलत है, अभी मैंने केवल आपको पॉजिटिव नंबर के साथ बताया है। अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा अभी सीखते हैं। लेकिन मैंने अभी ये क्या सिखा दिया, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। आप कोई भी मल्टीप्लाई करो, मन से ले लो, टेन से ले लो। अच्छा, मैंने आई कैप प्लस जे कैप क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन मैं आपको समझा चुका था, बाकी किसी वेक्टर का हो सकता है आपको डायरेक्शन दिखाई ना दे, है ना। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मैं आपको बस एक जस्ट एक जस्ट दे दी कि अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, ठीक है। अगर नंबर जो है वो पॉजिटिव, आओ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, आओ आओ, ये बेटा शानदार कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस हाई एक्सिस आई कैप प्लस जे कैप, खूबसूरत वेक्टर है ना। इस वेक्टर का नाम कुछ भी ले लो यार, ए वेक्टर। अच्छा, अब इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, क्या बन गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप। अच्छा, इसको पहचान दो, अरे नेगेटिव ऑफ वेक्टर, पढ़ाया था प्रदीप सर ने, यही वाले प्रदीप सर ने, माइनस नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का था वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कौन सा वेक्टर है, जीरो जीरो से ओरिजिन से माइनस वन कॉमा माइनस वन को ज्वाइन करने वाला, वन इधर वन इधर। अच्छा बेटे की, तो वही सेम आया, हाँ क्योंकि वन इधर और वन इधर, तो ये रूट टू, इसकी लेंथ भी क्या थी रूट टू, बिल्कुल सही भाई, क्योंकि वन और वन रूट टू, वन और वन रूट टू। अच्छा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर दिख भी गया मेरे को आज फिर से, कि वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, माइनस टू वाई कैप माइनस टू जे कैप, थोड़ा सा वो टोपी अटक गई ऊपर, कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, ये जे की ये पूछ रहे हैं, हो गया। तो बेटा ये क्या आ गया, माइनस टू वाई कैप माइनस टू जे कैप, मतलब ये वाला, मतलब इसकी लेंथ से डबल लेंथ हो गई, कह सकता हूं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा सीखा क्या हूं मैं, जिस्ट क्या निकाली मैंने, जिस्ट प्यारे बच्चों मैंने ये निकाली, किसी वेक्टर को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे देन डायरेक्शन विल नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट चेंज, एंड इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ नेगेटिव स्केलर और अ नेगेटिव नंबर देन डायरेक्शन विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन जो मिलेगा वो अपोजिट मिल जाएगा, वील गेट अ अपोजिट वेक्टर, वील गेट वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, वील गेट वेक्टर इन opposite direction and it may be of same magnitude or of different magnitude. If the number is minus 1 then we'll get a vector of same magnitude and if number is other than minus 1 then we'll get vector of some other magnitude, then magnitude as well as direction both will change, hai na. Aur exactly direction kya ho jayega, opposite direction kya ho jayega pyare bachcho, opposite direction pyare bachcho kya ho jayega, opposite. To beta maine sikha kya hai, beta jo maine sikha hai ek baar ye raha aapke samne, है ना। क्या क्या सीखा, पहली बात बेटा क्या सीखी है, एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाइए फटाफट से। बेटा पहली बात प्यारे बच्चों सीखी, अगर मैं एक वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं एक वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है इफ स्केलर इज अदर देन वन, इफ नंबर इज अदर देन वन, एंड इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय नेगेटिव स्केलर और नेगेटिव नंबर देन डायरेक्शन will be, we'll get a vector in opposite direction, then we'll get a vector in opposite direction, hai na? And magnitude may or may not change, if the number is other than minus 1, then magnitude will change, and if a number is minus 1, then we'll get opposite vector, that is vector of same magnitude but in opposite direction, vector of same magnitude, jaise agar ye vector hai, dusra niche ko mil jayega, opposite vector, same magnitude, opposite direction, same magnitude, opposite direction, good, aya, very good.
तो प्यारे बच्चों मैं आपको कोशिश करी समझाने की व्हाट हैपेंस इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर, व्हाट हैपेंस इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर। आप समझ पा रहे हैं, है ना? खुश होकर देखते रहिए, ये सड़ा समूना बना के बैठे हैं, स्माइलिंग फेस के साथ बैठे हैं और बढ़िया करके वीडियो देखिए, कहीं ना समझ में आए तो रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, सर आपको फिर से बताएंगे, है ना? सेवा में हाजिर है, लगातार बोलते चले जाएंगे, लेकिन आपको बेटा सुनना होगा, समझना होगा, सुनेंगे समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे बेटा, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए आइए देखिए अगली चीज पे चलते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आइए सपोज आई हैव अ वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, दिस इज वेक्टर OP, ठीक है? OP वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, दैट इज 3 इन x डायरेक्शन 4 इन y डायरेक्शन, है ना? वेक्टर जॉइनिंग फ्रॉम 0 0, दैट इज ओरिजिन, टू 3, 4, ठीक है? एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, अंडर रूट 5, लेंथ 5, 2 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा tan थीटा कितना है? मान लो कोई कह रहे हैं थीटा बताओ x एक्सिस से, tan थीटा बताओ, tan थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा इज द एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस, तो tan थीटा कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 4/3, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत सिंपल बात है भैया। अच्छा अब मान लो कोई कह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करो, गुस्से में आके कैसे मल्टीप्लाई करना है? गुस्से में आके ट्वाइस ऑफ OP वेक्टर, 2 इनटू OP वेक्टर क्या मिलेगा? 6i कैप प्लस 8j कैप, 2 से मल्टीप्लाई करो, 6i कैप प्लस 8j कैप, कहां बनाएंगे इसको? कहां बनाएंगे? और इसको सफाई करते भाई, ये बन गया बहुत शानदार कोऑर्डिनेट एक्सिस, 6i कैप प्लस 8j कैप, ये हो गया, है ना? अब देखो भाई ये ट्वाइस ऑफ OP वेक्टर है, ट्वाइस ऑफ OP वेक्टर, है ना? और 6i कैप प्लस 8j कैप है, मतलब ये 6 है और ये 8 है, थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं करी, ये 6 लग नहीं रहा है, मतलब ये 8 बराबर जैसे लग रहे हैं, कोई बात नहीं मान लेंगे यार, क्या करेंगे मान लेंगे, है ना? ये 6 है और ये 8 है। प्यारे बच्चों लेंथ कितनी हो गई इस वेक्टर की? लेंथ कितनी हुई? ये 6 है ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, फेवरेट कैलकुलेशन है 64, 36, 100 का अंडर रूट 10, ओ लेंथ 10, ओ हां डबल हो गया यार, 2 से मल्टीप्लाई करने में वेक्टर की लेंथ डबल हो जाती है, आ गया। अच्छा डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ये सिखाया था प्रदीप सर ने, x एक्सिस से एंगल tan थीटा, tan थीटा कितना है? 8/6, और एक अलग आ रहा भाई, यहां 4/3 है ना, 8/6 अलग आया, ध्यान से देखो, और रे सेम भाई काटते हो रे, 2 4 2 3 4/3 सेम टू सेम वही। अच्छा समझ में आ गया भाई, समझ में क्या आया? अगर वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिपल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम हो जाएगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन इधर को वेक्टर तो उधर को पहुंच जाएगा, इधर को है तो उधर को पहुंच जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट, उधर है तो इधर पहुंच जाएगा, इधर है तो उधर पहुंच जाएगा। अरे आया, अब हमको डांस थोड़ी ना करना है भैया, एक बार में समझो फटाक से, कैसे फटाक से बढ़े आगे, बढ़ो सर, वेरी गुड। तो बेटा ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी प्यारे बच्चों कि अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अब कोई मेरे को कहता सर ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई मल्टीप्लाई कोई भी कर देता है, दो में तो डिवाइड करके दिखाओ, तो हमने कहा भाई 4 पराठे खा गए दम की बात ना करना, तो आइए देखते हैं क्या होता है डिवाइड करने से, ठीक है? चलो भाई सीखने की कोशिश करते हैं। What happens if we divide a vector by a number or by a scalar? What happens? Vector by a scalar or a number. Okay, let's start.
आई कैप प्लस 60 ए कैप चलेगा। मान लो ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो 0 0 से ओरिजिन से 60 60 नंबर थोड़ा बड़ा ले लिया चलेगा ना यार, क्या दिक्कत है भाई। तो 60 60 को जो एंगल करने वाला वेक्टर है ये वो वेक्टर है जिसका एंगल 45 है, क्योंकि 0 0 से ओरिजिन से a a को ज्वाइन करने वाली लाइन का एंगल 45 होता है, सिखाया था प्रदीप सर ने थोड़ी देर पहले। 0 0 a a एंगल कितना होगा, ये a है ये भी a है, tan थीटा a by a ठाए ठाए काटे tan थीटा इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मेरे को लग रहा है बेटा मैं आपको समझाता जा रहा हूं, आइए देखेंगे आगे। तो बेटा 60i कैप प्लस 60j कैप ये एक वेक्टर है बेटा 60i कैप प्लस 60j कैप। अब बेटा मेरे को उसको 2 से डिवाइड करना है, तो a by 2 वेक्टर क्या आएगा, यहां लिखता जाता हूं a वेक्टर by 2 क्या मिल जाएगा 2 से डिवाइड करने पे 30i कैप प्लस 30j कैप। ओ लेंथ 60 रूट 2 से 30 रूट 2 भाई, अच्छा 2 से डिवाइड करने से हां हो गया, 3 से डिवाइड करने से क्या होगा, अच्छा डायरेक्शन में चेंज आया भाई, 0 0 से 60 60 एंगल 45, 30 30 तक के लिए भी एंगल क्या आएगा 45 नहीं आया, आया आया सर बहुत शानदार। a by 3 a by 3 का 20i कैप प्लस 20j कैप, अरे अब 20 रूट 2 गई लेंथ, a by 3 करने से लेंथ क्या होगी 20 रूट 2 सिखा पा रहे हो ना, ai कैप प्लस aj कैप की लेंथ a रूट 2 होती है, अभी तो बताया था भाई 0 0 से 1 1 का डिस्टेंस 1 रूट 2, 0 0 से 2 2 2, 2 का डिस्टेंस 2 रूट 2, 0 0 से 3 3 का डिस्टेंस 3 रूट 2 सिखाया था। तो 60 60 का 60 रूट 2 30 रूट 2 20 रूट 2, 2 से डिवाइड किया हाफ हो गया, 3 से डिवाइड किया 1 थर्ड हो गया, 4 से डिवाइड भी करूं ये समझ में आ गया, आ गया सर बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चों हमने क्या सिखा दिया बेटा आपको, अगर वेक्टर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से दैट इज स्केलर से, तो बेटा हमको क्या होता है बेटा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट वेक्टर ऑफ हाफ द लेंथ एंड इन सेम डैश है ना। इफ यू डिवाइड अ वेक्टर बाय नंबर 3 देन व्हाट वी गेट वेक्टर ऑफ 1/3 द लेंथ है ना, लेंथ जो रहेगी 1/3 हो जाएगी एंड डायरेक्शन विल रिमेन द सेम, एंड डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। 4 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ 1/4 हो जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे 1/5 हो जाएगी, 6 से डिवाइड करेंगे 1/6 हो जाएगी, 7 से डिवाइड करेंगे 1/7 हो जाएगी, 10 से डिवाइड करेंगे 1/10 हो जाएगी, बट डायरेक्शन विल रिमेन द सेम। तो बेटा मैंने आपको बता दिया अगर हम वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, बस बेटा अगर n से डिवाइड किया तो लेंथ 1/n टाइम्स हो जाती है, सिंपल बात है। और बेटा अगर मान लो कोई कहता -2 से डिवाइड किया, तो मैं कह रहा हूं पहले 2 से डिवाइड किया फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो 2 से डिवाइड करने में लेंथ हाफ हो गई और माइनस से मल्टीप्लाई करने में डायरेक्शन अपोजिट हो गया, नहीं आया समझ में, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने में वी विल गेट अ वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, वी विल गेट अ वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। वो जो नंबर है ना वो इंपॉर्टेंट है बेटा, नेगेटिव अगर आ गया तो पक्का है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा बेटा। अगर मैं इसको -2 से डिवाइड करता तो मेरे को मिलता -30i कैप -30j कैप, -3 से डिवाइड करता तो मेरे को मिलता -20i कैप -20j कैप। बेटा लेंथ तो 1/3 ही हो रही है ना, 60√2 से 20√2 ले गए 1/3 हो गई और डायरेक्शन अपोजिट हो गया, क्यों, क्योंकि इधर हो गया कह दो आया। तो बेटा व्हाट हैपेंस इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर, इफ स्केलर इज पॉजिटिव देन मैग्नीट्यूड एज वेल एज सॉरी डायरेक्शन विल रिमेन द सेम बट मैग्नीट्यूड विल चेंज इफ नंबर इज अदर देन 1, इफ स्केलर इज अदर देन 1। इफ यू डिवाइड अ वेक्टर बाय अ पॉजिटिव स्केलर व्हाट हैपेंस, magnitude becomes, if we suppose we are dividing by n, then magnitude will become 1/n times, magnitude will reduce to 1/n times, है ना? And direction will remain the same. If we multiply by a negative number, then direction reverses, magnitude will change if scalar is other than -1, है ना? For negative scalar, for negative number. और अगर बेटा इसमें divide करते हैं negative से, तो भी direction will reverse, है ना? और बेटा मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है बेटा, अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो हाफ हो जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 1/3 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 1/4 हो जाएगा। वापस पॉजिटिव से चलते हैं है ना, नेगेटिव के लिए याद रखेंगे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट। तो 2
से डिवाइड करना है भाई बेटा, 0 0 से 60, 60 को ज्वाइन करने वाले वेक्टर की लेंथ क्या होगी 60√2, 30, 30 को ज्वाइन करने वाले वेक्टर की लेंथ क्या होगी 30√2, 20, 20 को ज्वाइन करने वाले की लेंथ क्या होगी 20√2। तो इसकी लेंथ लिखता जाता हूं, आई एम सॉरी, 60√2, इसकी लेंथ 30√2, ब्रैकेट में लिखता जा रहा हूं, इसकी लेंथ 20√2, 3 से डिवाइड किया, ओए 3 कहां से आ रहा भाई, गड़बड़ कर रहा है आगे, नॉनसेंस, 20√2। तो प्यारे बच्चों 3 से डिवाइड किया तो लेंथ 1/3 हो गई 20√2, 2 से डिवाइड किया तो लेंथ हाफ हो गई 30√2, 60 का हाफ 30, ओ हां बिल्कुल सही, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर, बहुत सिंपल है भैया, वेक्टर से वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे n से तो 1/n टाइम्स हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे n से तो लेंथ n टाइम्स हो जाएगी, डायरेक्शन वही रहेगा अगर स्केलर पॉजिटिव है, और अगर डिवाइड करेंगे n से अगर नेगेटिव है तो 1 मतलब 1/n टाइम्स हो जाएगी लेंथ और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरे को लग रहा है मैं आपको सिखा रहा हूं, है ना, तो एक बार ऐसा करेंगे, फटाफट से एक बार रिवाइज कर ले और फिर आगे बढ़े, जल्दी से देखें एक बार कॉपी को पलट के। तो बेटा हमने आपको सिखा दिया अभी मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डिवाइड करने से क्या होता है, आइए एक चीज और सिखाना चाहता हूं, नाम नहीं लूंगा पहले, पहले बताऊंगा, नाम अपने आप ही निकल के आ जाएगा बीच में उसका। आइए देखिए प्यारे बच्चों, ये एक वेक्टर है बहुत ही शानदार, 3i कैप + 4j कैप, 0 0 से ओरिजिन से 3, 4 को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए वेक्टर होगा 3i कैप + 4j कैप। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा, इसकी लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड को लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, √3² + 4² ये भी सिखा चुका हूं, ये 3 है ये 4 है, तो ये आएगा √3² + 4² दैट इज 5, है ना, तो 5 इसकी लेंथ है प्यारे बच्चों। अब मेरे से पूछा गया है बेटा, मैंने भी आपको सिखाया 2 से डिवाइड करो तो लेंथ हाफ हो जाती है, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, 3 से डिवाइड करूंगा तो लेंथ 1/3 हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो लेंथ 1/5 हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और 5 इसकी लेंथ है, और चेक करते हैं 5 से डिवाइड करके, वेक्टर ए बाय 5, तो क्या आ जाएगा 3/5i कैप + 4/5j कैप। प्यारे बच्चों ये क्या बन के आ गया आपके सामने, ये एक वेक्टर बन के आ गया है जो मेरे को ऐसा लग रहा है लेंथ बने, आइए चेक करते हैं, तो 3/5 कितना हो जाएगा बेटा 0.6, क्या हो जाएगा बेटा 0.6, कर सकते हैं 0 लगाया पॉइंट लगाया 5 6 30 आई क्या प्लस 4/5 क्या हो जाएगा 0.8, 0 लगाया पॉइंट लगाया 5 8 40, तो बेटा 0.6 इधर है x में और 0.8 y में, निकालिए लेंथ कितनी बन गई, निकालिए निकालिए, सवा √0.6² + 0.8² 0.6² 0.36 ये 0.64 0.34 0.36 कितना हो जाएगा 1 आया कि नहीं है, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं 3/5² बेटा आपको बताया ai कैप + bj कैप की लेंथ होती है √a² + b² तो 3/5i कैप + 4/5j कैप की लेंथ क्या होगी √3/5² + 4/5² और ये क्या है 9, ये क्या है 16 16 9 25 अपॉन 25, जंट हो गई 1 आ गया, आया 1 लेंथ का वेक्टर, बिल्कुल सही बात थी भाई, अगर 5 लेंथ का वेक्टर है 5 से डिवाइड करूंगा तो 1/5 लेंथ का वेक्टर आएगा, सीख चुका था तो 1 लेंथ का वेक्टर आ रहा है, तो इसमें कोई भी खास बात नहीं है, पर प्यारे बच्चों जो 1 लेंथ का वेक्टर होता है उसका जो नाम होता है वो होता है यूनिट वेक्टर, क्या नाम होता है प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर, डिनोट कैसे करते हैं ए कैप, अच्छा यूनिट वेक्टर के साथ आता है के क्या, यूनिट वेक्टर के साथ आता है के क्या, शायद मैं आपको समझा पाया हूं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया, यूनिट वेक्टर जो है बेटा वो क्या है 1 लेंथ का वेक्टर मिलेगा कब, अगर 5 लेंथ का वेक्टर है 5 से डिवाइड कर दूंगा देन वी विल गेट अ वेक्टर इन सेम डायरेक्शन एंड ऑफ 1/5 द लेंथ, 1/5 लेंथ का वेक्टर मिलेगा और 1/5 लेंथ 5 का 1/5 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, 5 का 1/5 क्या हो जाएगा 1, है ना, तो 1 लेंथ का वेक्टर, अगर 10 लेंथ का वेक्टर होता तो 10 से डिवाइड करता, जनरल बोलूं मैं ए कैप कैसे निकालूंगा, ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो बेटा इसकी लेंथ अगर ए थी तो 1/8 टाइम्स हो जाएगी दैट इज 1 हो जाएगी, तो बेटा
यूनिट वेक्टर मींस वेक्टर ऑफ लेंथ वन, मींस वेक्टर ऑफ लेंथ वन, वेक्टर ऑफ लेंथ वन। लेकिन बेटा आप ये बताओ, ये जो वेक्टर है, अगर मान लो ये फोर्स वेक्टर होता तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता? 5 न्यूटन। किसी डायरेक्शन में होता 5 न्यूटन। लेकिन अगर 5 न्यूटन से डिवाइड करूं तो बेटा न्यूटन न्यूटन तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये यूनिटलेस वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर होगा? यूनिटलेस। कैसा वेक्टर होगा प्यारे बच्चों? यूनिटलेस, है ना? तो बेटा यूनिट वेक्टर इज अ यूनिटलेस वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज अ यूनिटलेस वेक्टर। मेरे को लगता है कि प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बड़ी ही सिंपल बात है कि जो यूनिट वेक्टर होगा बेटा वो कैसा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर जो होगा वो यूनिटलेस वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर जो होगा वो कैसा वेक्टर होगा? यूनिटलेस। यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, है ना? और मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? 1। अच्छा, आप सोचते हैं आई कैप क्या चीज है? अब समझ में आ रहा है बेटा? अगर मैं आई कैप को लिखना चाहूं तो क्या मैं 1 आई कैप लिख सकता हूं प्लस 0 जे कैप? हां लिख सकता हूं। और ये क्या हो गया? 0 0 से 1 कॉमा 0 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। अच्छा, ये तो 1 लेंथ का वेक्टर है, इसीलिए टोपी पहना रखी है। i कैप 1 लेंथ का वेक्टर है x डायरेक्शन में। i कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन। सो बेटा i कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, अलोंग x डायरेक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, j कैप क्या है प्यारे बच्चों? j कैप को क्या लिख सकते हैं? 0 i कैप प्लस 1 j कैप। ये है ओरिजिन से, दैट इज 0 0 से 0 कॉमा 1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर। और ये क्या हो जाएगा बेटा? और ये भी तो 1 लेंथ का वेक्टर है, 0 0 से 0 कॉमा 1। बेटा ai कैप प्लस bj कैप होता है 0 0 से ओरिजिन से a कॉमा b को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो 0 कॉमा 1 बेटा कौन सा पॉइंट होगा? x में 0 जाना है और y में 1। x में 0 जाना है, y में 1, ये पॉइंट। क्या दो आगे यार, कोऑर्डिनेट से लिख लेंगे ना। 0.5 का मतलब क्या हुआ? x में 0, y में 5। 5.0 क्या हुआ? x में 5, y में जाना ही नहीं है, 0 आया। तो बेटा मतलब j कैप क्या है? 0 0 से 0.1 को जॉइन करने वाला वेक्टर, दैट इज 1 लेंथ का वेक्टर अलोंग y एक्सिस, दैट इज दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, है ना? तो i कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, j कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। मैं आपको समझा पाया हूं प्रोबेबली, है ना? ये हो गई यूनिट वेक्टर की कहानी। ये क्या हो गई प्यारे बच्चों? यूनिट वेक्टर की कहानी। अब इसके बाद बेटा मेरे को सीखना है वेक्टर को तोड़ना, है ना? कोई भी अगर वेक्टर दे देंगे उसको कह देंगे उसको i कैप j कैप की फॉर्म में लिखो। कैसे? आइए देखते हैं। है ना? तो बेटा कोई भी वेक्टर दे देंगे कह देंगे कैसे लिखो? i कैप और j कैप की फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में लिखो प्यारे बच्चों? i कैप और j कैप की। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। अगर कोई कहता अ मैन गोस 10 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 10 मीटर वो चला 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये क्या है बेटा? 10 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो बेटा कैसे इसको आप कैसे लिख सकते हैं बेटा? मेरे प्यारे बच्चों बात सुनेंगे ध्यान से, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आइए फिर से एक बात आपको बताना चाहता हूं, दोबारा से दोहरा देता हूं आपको परेशानी ना हो। मान लो हाइपोटेन्यूज किसी ट्राइंगल की ए है, तो बेटा बेस क्या होगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? a cos थीटा। बेस क्या देगा? a cos थीटा। हाइपोटेन्यूज cos थीटा बेस। बेटा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज cos थीटा, ये डायरेक्टली याद रखना चाहिए। बेस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज cos। बेस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज cos थीटा। बेस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज cos थीटा। परपेंडिकुलर क्या होता है प्यारे बच्चों? sin, ये p है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या है प्यारे बच्चों? a। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज sin थीटा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाइपोटेन्यूज sin थीटा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाइपोटेन्यूज sin थीटा, p = a sin थीटा। तो a sin थीटा, a cos थीटा, बेस a cos थीटा परपेंडिकुलर a sin थीटा, ये a cos थीटा, ये a sin थीटा, a cos थीटा, a sin थीटा, परपेंडिकुलर a sin थीटा, बेस बेस a cos थीटा, हाइपोटेन्यूज cos थीटा बेस। अब प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि अगर मेरे को कहा गया है इसको आई कैप जे कैप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को तोड़ना। कैसे तोड़ा जाएगा या यूनिट वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा, आइए लिखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों ये क्या चीज हो जाएगी, बेस है, बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, बेटा ये याद रखना चाहिए। अच्छा कॉस 37 साइन 37, प्रदीप सर ने वैल्यू याद कराई थी वो रही आपके सामने, बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, बेटा 37 53 दो नए एंगल्स पढ़े थे जो कि वो लिखे हुए हैं। बेटा क्या क्या थी वैल्यूज, साइन की वैल्यूज 3/5 और 4/5 है ना, और साइन थीटा बेटा क्या बताया था, बढ़ता है, याद आया साइन थीटा तो वाई कोऑर्डिनेट होता है बेटा, बढ़ता है साइन थीटा, तो 3/5 37 पे होती है, 4/5 53 पे होती है। और कॉस की वैल्यूज क्या क्या बताई थी आपको, बताई थी 3/5 और 4/5, कॉस घटता है तो 37 पे 4/5 53 पे 3/5। आपको ये भी बोला था ये ट्राइंगल याद रख लेंगे बेटा, ये ट्राइंगल याद रख लेंगे तो सारे काम बन जाएंगे, ये 37 है, ये 53 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आप बड़े आराम से sin 37 3/5 है ना, sin 53 लिखना है 4/5, थीटा के सामने वाला होता परपेंडिकुलर, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो 10 cos 37 प्यारे बच्चों क्या आता है बताइए जरा, 10 cos 37 क्या निकल के आ जाएगा बताइए, cos 37 4/5, पहले बड़ी वैल्यू आती है, 5 2 10 ये आ गया 8 है ना। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी ये निकाल सकते हैं, नहीं तो ये चीज क्या, परपेंडिकुलर क्या होगा, 10 sin थीटा, 10 sin 37, और ये क्या बन जाएगा 10 into 3/5 क्या बन गया बेटा 6, ये 6 लेंथ का वेक्टर बन गया, ओ सॉरी ये 6 लेंथ है, परपेंडिकुलर क्या आ गया बेटा 6। अब 0 0 से 8 इधर जा रहा है 6 इधर जा रहा है, तो बेटा क्या लिख सकते हैं इस वेक्टर को, 10 मीटर, फालतू चीजें मिटो दी जाए जो पुराना रिवाइज कराया है, 10 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको लिखने का तरीका क्या हुआ बेटा, 8i कैप प्लस 6j कैप, इसको हम बोल सकते हैं अगर ये कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मान लो इसको s वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 8i कैप प्लस 6j कैप है ना, 8i कैप प्लस 6j कैप। अच्छा अगर बोल के खाली 8i कैप के, तो 8i कैप बेटा ये चीज है, ये है 8i कैप, 0 0 से 8,0 को जॉइन करने वाला वेक्टर, ओरिजिन से 8,0 को जॉइन करने वाला वेक्टर हो जाएगा 8i कैप, नहीं है। और 6j कैप क्या चीज है बेटा, 6j कैप प्यारे बच्चों ये चीज है, 0 0 से बेटा ये 0 का x में 0 जा रहा है और y में 6, ये 6j, सॉरी 0 0 से 0,6 को जाने वाला वेक्टर क्या है, 6j कैप। अच्छा इन दोनों का एडिशन ही तो आ गया 6, 8i कैप ये है, ये है 8i कैप ये वाला वेक्टर, और ये क्या है बेटा 6j कैप, और इन दोनों का एडिशन हमने क्या किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये बन गया। हां पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, जो डायगोनल होता है टेल से जॉइन करने वाला उसको हम बेटा बोलते हैं एडिशन ऑफ दीस टू वेक्टर, दैट इज ये दोनों से मिलके ये बना है, ये दोनों ही इसके कंपोनेंट्स हैं। मैं नाम अगर कंपोनेंट्स नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा भी सुनने में, लेकिन कंपोनेंट नाम मत दो, आप ऐसे ही बोलो बस, यूनिट वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 8i कैप प्लस 6j कैप, हल्के-हल्के बेटा प्रैक्टिस कर लेंगे चीजों की आदत पड़ जाएगी है ना। अभी बेटा बस मैंने आपको सिखाया कि अगर कोई वेक्टर है 10 मीटर एक आदमी चला 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो उसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया। एक चीज बेटा आपको और समझाना चाहता हूं है ना, अब बेटा मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं, चलिए ऐसा करते हैं कि पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि क्या हम कर पा रहे हैं इजिली या नहीं कर पा रहे। प्रोबेबली आपने नोट कर लिया हुआ है ना, वही देखते हैं। सपोज करो अ मैन गोज टुवर्ड्स या वॉक्स टुवर्ड्स, ही वॉक्स 10 मीटर 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। अच्छा 37 53 मतलब चल रहा है ना एंगल, ये वैल्यूज आसान आती है इसलिए ऐसा ले रहा हूं, ठीक है। पहले मतलब अपने जो एग्जाम्स रहते हैं उसमें ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन बड़ी ताबड़तोड़ होती है, मतलब कैलकुलेशन भी सिंपल रहती है, आपका दिमाग चेक करना चाहते हैं एग्जामिनर। आइए देखिए 10 मीटर 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये 10 मीटर्स लिख देता हूं, 10 मीटर्स
37 degrees west of north, 37 degree west की तरफ north से। कह रहे हैं इसको भी रिजॉल्व करिए यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखिए, है ना, आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। आई देखिए बेटा ये एक्स एक्सिस है प्यारे बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ये चीज क्या हो जाएगी बेटा 10 मीटर 37 डिग्री वेस्ट, ये 37 डिग्रीज है। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, अच्छा इस ट्राइंगल में जो थीटा के साथ बेटा जो 90 से अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस होती है, थीटा के साथ वाली साइड जो होती बेस होती है, थीटा से अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, दिस इज पी दिस इज बी, तो बेटा ये क्या होगा हाइपोटेनियस कॉस थीटा 10 कॉस 37, ये क्या चीज आएगी बेटा 10 कॉस 37 क्या बन जाएगा 10 इनटू 4/5 दैट इज 8, ये लेंथ 8 आई और ये चीज कितनी आई। अब तो बेटा वैसे अगर ये 8 है तो ये 6 ही होगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, नहीं तो आप करें हाइपोटेनियस साइन थीटा 10 साइन 37, आपको फटाफट करना आना चाहिए हाइपोटेनियस साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कॉस थीटा बेस, है ना। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो बेटा मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर आप रिवाइज कर लें, है ना, जो मैथमेटिकल टूल्स मैंने आपको पहले जो चीज पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी बेटा वो एक बार आप रिवाइज कर लें, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 10 साइन 37 और ये चीज क्या बन क्या जाएगी 10 साइन 37 प्यारे बच्चों 10 इंटू 3/5 5 टू 10 है ना और ये 3 टू 6 ये 6 बन गई, ठीक है। तो बेटा आप क्या बोलेंगे 6 नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाना है और 8 पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाना है। तो बेटा ये जो वेक्टर होगा ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 10 मीटर 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज -6 आई कैप और +8 जे कैप, क्योंकि 8 देखो इधर जाना है बेटा, ये चीज 8 निकल के आई है ना, अभी आपके सामने निकाली मैंने ये चीज बेटा, ये 8 निकल के आई और दैट इज वाई में मेरे को 8 जाना है, तो -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। बेटा इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फटफट करना आना चाहिए, क्यों फटफट करना आना चाहिए क्योंकि बेटा जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा तो बिना वेक्टर को ड्रॉ करे करेंगे, बिना दिमाग लगाए बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा, आपको वेक्टर्स ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये आपको यूनिट वेक्टर नोटेशन बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए और आगे के चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है बेटा। ये मैथमेटिकल टूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर में घुसा हुआ है। अब वेक्टर आप जो वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये जितने भी आपने ये जो तीन टॉपिक है मेन मुद्दे के टॉपिक ये तीन है और ये तीनों के तीनों आप देखेंगे हर एक चैप्टर में यूज होंगे, भले आप काइनेमैटिक्स करें भले आप न्यूटन्स लॉस करेंगे, आपको लगातार ये यूज होने हैं, तो बेटा आपको इनको बहुत अच्छे से यूज करना आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है बेटा यूनिट वेक्टर नोटेशन आपको फटाक से लिखनी आनी चाहिए। और बेटा देखो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, एक बार बता दे रहा हूं, 0 0 से A कॉमा B को जो ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है, मान लो ये कोई पॉइंट P है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था AI कैप प्लस BJ कैप, क्या था प्यारे बच्चों AI कैप प्लस BJ कैप। अगर कोई कहे 0 0 से A कॉमा 0 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा, तो AI कैप, खाली A जाना है x डायरेक्शन में। अच्छा BJ कैप क्या चीज है, BJ कैप ये चीज है, नहीं है बेटा ये 0 कॉमा B हो गया और ये वेक्टर क्या देगा BJ कैप और ये हो गया इन दोनों का एडिशन AI कैप प्लस BJ कैप। मेरे को लगता है मैं आपको समझा पाया, आइए आगे बढ़ेंगे। तो AI कैप प्लस BJ कैप आप सीख पाए हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मैंने मैंने आपको एक दो क्वेश्चन कराए, तो बेटा आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों से मिलके बना है, दैट इज AI कैप प्लस BJ कैप के कंपोनेंट्स हैं A और B इन x एंड y डायरेक्शन। कैसे बोल सकते हैं AI कैप प्लस BJ कैप जो वेक्टर से कंपोनेंट्स हैं A और B इन x एंड y डायरेक्शन, यहां क्या बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ 10 मीटर 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ आर -6 एंड 8 इन x एंड y डायरेक्शन, x में -6 मतलब नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग, मतलब आपको 6 जाना पड़ेगा नेगेटिव x एक्सिस में, 8 जाना पड़ेगा पॉजिटिव y एक्सिस में, तब आप इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तभी आप इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दिखा पाएंगे। आइए फटाफट से और एक दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाए इस चीज में, आइए देखते हैं। मान लो वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 रूट 2 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 10 रूट 2 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 10 रूट 2 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 10 रूट 2 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो बेटा अब इसका मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच मतलब 45 डिग्री। अब बेटा अगर ये 10 रूट 2 लेंथ है तो
परपेंडिकुलर बेटा क्या देंगे, हाइपोटेनस cos थीटा बेस हाइपोटेनस sin थीटा परपेंडिकुलर बोलेंगे साथ साथ में, सोएंगे नहीं भाई, ऐसा नहीं कि पौने घंटे की वीडियो हुई 15 मिनट की बची है तो अब आंख मार लेंगे ना, अभी भी जागेंगे पढ़ेंगे। तो ये क्या tan√2 cos 45, tan√2 cos 45, cos 45 1/√2 ठाए tan आया बेस, और ये कितना है tan√2 sin 45, tan√2 sin 45, sin 45 1/√2 √2 काटे tan i cap plus tan j cap, कैसे लिखेंगे tan√2 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, tan i cap plus tan j cap। मेरे को लग रहा है प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, बेटा आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए और फिर आप देखेंगे जो हमने एडिशन सबट्रैक्शन करे थे जिसमें मशक्कत लगती थी ऐसे चुटकियों का खेल हो जाएगा बेटा वो। आइए प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक और देखते हैं फटाफट से, मान लो कोई कहता है 10 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 10 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 10 मीटर का है 37 डिग्री साउथ की तरफ वेस्ट से, है ना, सॉरी ये वेस्ट है, वेस्ट से साउथ की तरफ, हर एक क्वाड्रेंट का एक एक लिख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आप एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद से करिए ताकि आप बड़े आराम से कर पाए। तो मैं लिख देता हूं 10 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। प्यारे बच्चों आइए लिखते हैं, ये चीज क्या हो जाएगी 10 cos 37, वेरी गुड, जो क्या बन जाएगा 10 × 4/5, 5 × 10, 4 × 8, ये 8 आ गया, ये क्या आ गया प्यारे बच्चों 8, ठीक है। और ये चीज क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों 10 sin 37, 10 sin 37, ये चीज क्या निकल के आ जाएगी बेटा, ये चीज निकल के आ जाएगी 6, क्यों 10 × 3/5, बेटे वैसे भी 8 है, ये 10 है तो ये 6 ही होगा, तो कैसे लिखेंगे इस वेक्टर को 10 मीटर 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ ऑफ वेस्ट को हमको लिखने का i कैप j कैप में क्या तरीका आया, -8 i कैप, क्योंकि 8 जाना है नेगेटिव x में और 6 जाना है नेगेटिव y में, -6 j कैप। मेरे को लग रहा है प्रोबेबली शायद मैं आपको सिखा पा रहा हूं, शायद मैं आपको सिखा पा रहा हूं। आइए एक और करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। आइए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ हूं, बस बेटा क्लास के एक दो क्वेश्चन बाकी है आज के, ध्यान से सीखते जाएंगे समझते जाएंगे और तभी आगे बढ़ पाएंगे। प्यारे बच्चों आइए देखिए, मान लो कोई कहता है कि हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन इधर को 30 डिग्री पे, आई कैप जे कैप में लेके दिखाओ तो हमें, तो ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, वो तो जिंदगी भर से यही है ना। अब बेटा कोई कहता है कि मान लो, लिख के दिखाओ भाई कैसे लिखेंगे, चलो भाई ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, बेस क्या होता है हाइपोटेनस cos थीटा, हाइपोटेनस cos थीटा, हाइपोटेनस sin थीटा, 10 sin 30 आया, बेस थीटा के साथ वाला एक होता है बेस 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस, ये बेस है, बेस क्या होता है हाइपोटेनस cos थीटा, हाइपोटेनस cos 30, वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा 10√3/2, 5√3, ये क्या आ जाएगा बेटा 10 sin 30, क्या होता है प्यारे बच्चों हाफ, 2 × 5 = 10, ये आ गया 5, कितना आ गया बेटा 5, तो 5√3 x में और 5 की तरफ हो जाएगा नेगेटिव y में, तो बेटा 10 न्यूटन 30 डिग्री इधर को जो दिखा रखा है साउथ ऑफ ईस्ट, है ना, अगर डायरेक्टली फोटो दिखा दी, कह रहे हैं कि i कैप j कैप नोटेशन में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे 5√3 i कैप -5 j कैप, ऐसे करके न्यूटन भी दिखा सकते हैं अगर आप यूनिट दिखाना चाहें तो, है ना। प्यारे बच्चों समझ में आ पाया, मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो बच्चों मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आप बस ये समझिए कि कैसे लिखना है, आपको हमेशा x और y में देखना होगा कि x में कितना चलना पड़ रहा है, y में कितना चलना पड़ रहा है, और उस तरीके से आप i कैप j कैप में लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, है ना। तो एक बार ऐसा करेंगे, नोट करेंगे, हम 2-3 एग्जांपल्स और करेंगे जरूर ताकि हम इसको और पक्का कर लें।